अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये क्रॉकरी मैंने स्पेशली अपनी किडनी पार्टी के लिए मंगाई थी, तोड़ कर रख दिया तुमने। कोई बात नहीं सुमित्रा, हो जाता है। तुम्हारा गिफ्ट मैं तुम्हारे घर भिजवा दूंगी कौशल्या। सॉरी दादी जी। क्या सॉरी, उठाओ ये सब, जाकर फेंक दो, साफ करो ये सब। अब घड़ी घड़ी मुंह क्या देख रही हो, उठाओ ये सब और जाकर फेंको। जी दादी जी। और हाँ, कुछ नाश्ता लेकर आना। जी। अरे तुम लोग बैठो ना, गेम आगे खेलते हैं, बैठो। रूही, मैं कुछ हेल्प करूं? मैं एक काम करती हूँ, मैं शरबत में बर्फ डाल के सबको दे आती हूँ। ठीक है अग्नि। अग्नि ये दोनों ट्रे दादी और उनकी सहेलियों के लिए है, और ये परिवार वालों के लिए है। अच्छा ठीक है। अग्नि ये दादी वाली क्लास में ना थोड़ा कम बर्फ डालना, क्योंकि उनको सर्दी है। रुई स्पून देना। थैंक्स। ये ग्लास रूही के नाम। रूही मैं ये शरबत लेकर जाती हूँ, सबको सर्व करती हूँ, तुम भले लेकर आओ। ठीक है? ठीक है अग्नि, आओ। एक मिनट भाई, इस गेम में तो कौशल्या ही जीती है। दादी थैंक यू। सोनी आंटी ये आपके लिए। नाहर थैंक्स। थैंक यू बेटा। रूही ये तुम्हारा शरबत और ये मेरा। थैंक यू। ये तुम्हारे आखिरी शब्द है रूही, इसके बाद कुछ बोलने लायक नहीं बचोगे तुम। मैं तो लेट हो गई। अरे शकुंतला आंटी नमस्ते, आइए आइए, आप माजी के कमरे में मंडली लगी है, आप चलिए ना, इनके लिए दही भल्ले लेकर आओ। हाँ अब आंटी मैं लेकर आती हूँ। रूही तुम शरबत पियो, तुम पियो, मैं आती हूँ। अरे सुमित्रा। अरे शकुंतला इतनी लेट। अरे वो मैं मंदिर गई थी तो वहां सत्संग में समय लग गया। कोई बात नहीं, आओ बैठो बैठो, ये लो। अरे तुम ये पियो, मैं दूसरा मंगा लूंगी। रो
रूही जी दादी जी। अरे पीने के लिए कुछ ले आओ। मैं आती हूँ। दादी जी ये आप ले लीजिए। अच्छा हुआ मैंने अपना शरबत जूठा नहीं किया। अब रूही कहाँ है? अग्नि रूही भाभी तो अपना शरबत लेके ऊपर चली गई। सब गड़बड़ हो गई। बस दादी वो शरबत ना पिए। मैं ये भले देकर आती हूँ। हो गया कांड। दादी जी, दादी जी क्या हुआ? दादी जी आप ठीक तो है ना? दादी जी क्या हुआ सुमित्रा? दादी जी, दादी, दादी। दादी जी आप ठीक तो है? माँ जी। माँ, दादी, दादी, माँ क्या हो गया? माँ, दादी क्या हुआ? लेकिन ये बर्फ का टुकड़ा फंस कैसे गया? बाहर निकल, निकल। तो कुछ अजीब सा दिख रहा है। ये बर्फ तो कुछ अजीब सी है। कांच का टुकड़ा। सुमित्रा ने बहू को थोड़ा डांट क्या दिया? उसने दादी सास की जुबान काटने के लिए शरबत में कांच मिला दिया। अरे ऐसे नहीं, जोर जोर से मुक्का मारो तब जाके कांच मुंह से बाहर निकलेगा। माफ करिएगा माँ जी। छोटी महाराज से एक सेकंड माँ को बिठाओ। माँ माँ इधर बैठो प्लीज। माँ बैठो। ये शरबत में बर्फ किसने डाली थी? किसने डाली थी बर्फ? मैंने डाली थी लेकिन सिर्फ ट्रे से निकाल कर। मुझे नहीं पता इसमें कांच कहाँ से आया। बर्फ डालने में नहीं, बर्फ जमाने में हुआ। किसने जमाई थी बर्फ? ना जी, बर्फ तो मैंने मैंने जमाई थी। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो रूही? ऐसे कैसे बर्फ के अंदर कांच आ गया? मम्मी जी मैंने तो बस ट्रे में पानी डालकर फ्रिज में रखा था, पता नहीं बर्फ कांच कैसे आ गया। अभी पता चल जाएगा। अग्नि जा फ्रिज में से आइस ट्रे लेकर आओ, हम खुद देखेंगे। जी आंटी। मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया, वो आते ही होंगे। रुको मैं पानी लाता हूँ। दादी दादी ये पानी पीजिए, पानी पीजिए आराम से। दादी जी ये लीजिए आंटी। कांच? माँ इसमें तो कांच है। रूही ये आइस ट्रे के अंदर कांच आया कैसे? मम्मी जी मुझे नहीं पता इसमें कांच कहाँ से आई, मैंने तो बस
ट्रे में पानी डालकर फ्रिज में बर्फ जमने के लिए रखा था। कहीं मुझ पर किसी को शक न हो जाए, अगर ऐसा हुआ तो दादी फिर कभी मेरा साथ नहीं देंगी। आंटी हो सकता है काम वाली बारिश से ग्लास टूट गया और बर्फ की ट्रे में गिर गया हो, रूही ने बर्फ जमाते समय ध्यान ना दिया हो। हाँ माँ, शायद ऐसा ही हुआ होगा। आप लोग टाइम वेस्ट मत कीजिए, दादी को देखिए। हाँ बेटा। सोनी मैडम, हाँ? वो डॉक्टर साहब जी आए हैं। ठीक है। काफी ज्यादा चोट पहुंची है इनके गले में, आप बोलने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर, मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? ये तो टेस्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि इनकी आवाज जा चुकी है। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।